नमस्कार, मार्केट टाइम टीवी में आप सभी का स्वागत है। इस समय हम मौजूद है अलवर की कृषि उपज मंडी में, जहां लगातार मंडी के अंदर जो की आवक जोरों पर है। हमारे साथ में यहां पर जो व्यापारी है प्रेम गुप्ता जी, उनसे हम जानना चाहेंगे कि लगातार किस तरह की आवक हो रही है मंडी के अंदर जो की, और क्या भाव जो में चल रहे हैं। सर, सबसे पहले तो मार्केट टाइम टीवी में आपका स्वागत है, बताइए जो की कितनी आवक है, क्या भाव है? जो अप्रोक्स अलवर के अंदर 1,000-1,200 कट्टे पर डे के आ रहे हैं, और जो नीचे में 1,750 जो हार्वेस्टर का जो है गीला है वो बिक रहा है, और ऊपर में जो के भाव 1,880-1,900 तक बिक रहा है, और जो कि क्वालिटी बहुत ही बढ़िया अच्छी हर एक पैरामीटर पास वाली आ रही है। और ये आवक अभी पूरा अप्रैल माह बनने वाली है। अभी यूपी का माल भी अभी आना बाकी है, गंगानगर भी अभी बहुत स्लो मोशन से आ रहा है, पूरा अप्रैल गंगानगर भी माल आएगा। कैरी फॉरवर्ड स्टॉक भी जो का काफ़ी अच्छा प्रचुर मात्रा में माल्ट कंपनियों के पास में लगा हुआ है, और इस साल माल्ट कंपनियों ने इम्पोर्ट जो भी मंगाया है जो अपने यहाँ के जो से बहुत अच्छी वैरायटी का जो होता है, और उसके रेट अप्रोक्स 2,200 पड़ रहे हैं, और जनवरी में शिपमेंट आया है, मार्च में भी आया है, फरवरी में आया है, अप्रैल में भी आने वाला है। तो माल्ट कंपनी की बहुत अच्छी बाइंग जो के अंदर नहीं दिख रही, यही कारण है कि क्रॉप 25% लास्ट ईयर से कम होने के बावजूद भी क्रॉप के रेट लास्ट ईयर से 150-200 रुपए नीचे बिक रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो मैं कोई बहुत बड़ा तेजी का कोई बहुत बड़ा कारण नहीं लग रहा, और किसानों के पैदा भी कम है, बाकी इम्पोर्ट जो है आज हर एक चीज का मार्केट अंतर्राष्ट्रीय मार्केट बन गया। अगर कहीं विदेश से सस्ता पड़ता है तो वो चीज आकर अपने इंडिया के मार्केट को खराब करती है। अभी जो कि अगर बात की जाए तो उसमें जो भाव है किस कारण से कम है भाव? जो का कारण एक ही है कि माल्ट कंपनियां बाइंग में नहीं है। 8 लाख टन अप्रोक्स पूरे साल में जो का कंजम्पशन होता है माल्ट कंपनियों में, और इसमें माल्ट कंपनी के पास में कैरी फॉरवर्ड ही 6 लाख टन तो पहले से था, 2 लाख टन इम्पोर्ट हो गया, ठीक है। अब 3 लाख उनको जो स्टॉक चाहिए बफर स्टॉक मिनिमम स्टॉक, उतना उनको बाई करना है, 2-1 लाख टन लेना है बस पूरे साल में। तो अभी कितना स्टॉक किया जा रहा है जो का? अभी कंपनी बहुत स्लो मोशन से ले रही है, कोई भी उत्साह नहीं है, 4-4 दिन गाड़ी खाली नहीं हो रही, जगह नहीं है, और मैं समझता हूँ कि जो में कोई बड़ा रूपक और बड़ा कोई कारण तेजी का लगता नहीं है। मतलब किस कारण से तेजी नहीं आ पा रही है? इम्पोर्ट जो 2,200 पड़ रहा है बेस्ट क्वालिटी है, जो 45-46 TCW का होता है उसमें ना कोई थिन होता है, ना उसमें ब्रोकन होती है, ना उसमें फॉरन मैटर होता है, ना उसमें मॉइस्चर होता है, अच्छा बारदाना लगा होता है, एक ही वैरायटी का बीज होता है। अपने यहाँ की जो की वैरायटी भी अलग अलग है, कोई ग्रेन 24 घंटे में जर्मिनेशन होता है, कोई ग्रेन 48 घंटे लेता है, कोई 72 घंटे लेता है, तो माल्ट कंपनी के पैरामीटर पर अपना जो इम्पोर्टेड जो से 10% सस्ता होता है। तो अभी हमारे पास मंडी के अंदर कहाँ कहाँ कौन कौन से क्षेत्रों से किसान जो लेकर आ रहे हैं? जो सभी जगह सिकंदरा से आ रहा है, आपके राजगढ़ से, बांदीकुई से, आपका महुआ से, मंडावर से, है ना, इधर बांदीकुई हो गया, थाड़ागा जी है, विराटनगर है ना, इधर बड़ौदा में आसपास के 100-150 किलोमीटर के दायरे से जो आ रहा है। फिलहाल किसानों को क्या भाव मिल रहा है? फिलहाल किसान को MSP गवर्नमेंट की 1,850 है, उससे तो बेस्ट क्वालिटी का जो ऊपर ही दाम मिल रहा है, सरकार के रेट से तो ऊपर ही है। तो अभी कोई सरकारी खरीद वगैरह ऐसा नहीं? नहीं नहीं नहीं, जब तो नहीं है, 1,850 MSP है, उससे ऊपर ही 80% माल ऊपर से ऊपर बिक रहा है। तो अभी MSP की बात की जाए तो क्या लगता है MSP को लेकर आप? MSP की बात की जाए तो MSP गवर्नमेंट का 1,850 है, अब तक के इतिहास में आज तक जो खरीदने के लिए सरकार को विवश होना नहीं पड़ा, तो जो सारा बाजार में बिक जाएगा आराम से। तो यहाँ से कौन कौन सी कंपनियों में मार्केट के लिए जाता है? सारी कंपनी जितनी भी इंडिया की है, आपका यूनाइटेड बेवरेज को जाता है, बार माल्ट को जाता है, महालक्ष्मी माल्ट को जाता है, इम्पीरियल माल्ट को जाता है, और भी कई कंपनियां है, सबको जाता है। तो जो का जो उत्पादन है पूरे देश और प्रदेश के अंदर कितना है अभी? देखो जो का ये चल रहा है 2024, 2023 में इसका उत्पादन था 25 लाख टन, 2023 में, ठीक है, 2022 में इसका उत्पादन था 10 लाख टन, ठीक है, तो 200 लाख जब टन था जो का उत्पादन, उस समय जो के हाईएस्ट रेट थे 3,300 रुपए, उस कारण किसान ने अच्छा पैदावार किया, बहुत अच्छी क्रॉप की, 10 लाख टन को पैदावार को बढ़ाकर कर दिया 25 लाख टन,
तो लास्ट ईयर पूरे साल जो 2100 की शुरुआत होने वाला जो बाद में 1750 और 1800 के बीच में बिका अप्रैल के बाद में, ठीक है, और उसमें पूरे साल यानी मई से लेकर फरवरी एंड तक यानी मार्च तक या बोले आज तक कोई तेजी नहीं आई, ऐसा ही मुझे अब लग रहा है। इसमें कोई बहुत बड़ा कारण तेजी का मुझे दिखाई नहीं देता। आगे जो के अंदर किस तरह के भाव रहने वाले हैं आगे आने वाले समय में? आने वाले समय में सर मेन भाव और कीमत अदा करती है जो का माल्ट कंपनी है, ठीक है। माल्ट कंपनी के पास कैरी फॉरवर्ड स्टॉक भी है, देन इम्पोर्टेड जो भी आया है और क्रॉप भी यहाँ की बढ़िया आ रही है, तो मुझे इसमें कोई बड़ी तेजी का कोई भी कारण नहीं दिखाई देता। तो अभी अगर वैसे बात की जाए तो क्वालिटी भी ठीक है? क्वालिटी बढ़िया है, बढ़िया अच्छा क्वालिटी अच्छी है, TCW बढ़िया है, वाइट जो है जर्मिनेशन पावर भी अच्छा है उसका, और ज्यादा कट ग्रेन भी नहीं है, ज्यादा फॉरन मैटर भी नहीं है, क्वालिटी बेटर है। बट माल्ट कंपनी के दम पर इसमें कोई भी तेजी नहीं लगती मुझे 2025। तो अभी क्या उतार चढ़ाव भी देखा जा रहा है? नहीं नहीं कुछ नहीं, जो भाव आज मुझे लगता है कि आने वाले 6 महीने में भी भाव रहने वाले, रहने की कोई बढ़ोतरी नहीं? नहीं नहीं, केवल केवल फीड में जाना है और फीड भी 15 जून तक जाना है, 15 जून में बरसात होने के बाद में इसकी फीड की डिमांड भी डेड हो जाएगी। मैन फीड में जाता है घाट के अंदर, धानी के अंदर, सत्तू के अंदर, वो भी 15 जून तक की ही उसकी डिमांड रहने वाली है। 15 जून में बरसात होने के बाद में घाट की डिमांड भी खत्म हो जाएगी, कैटल फीड की डिमांड भी खत्म हो जाएगी, और आई थिंक 15 जून के बाद आपके दिवाली तक इसमें कोई भी नए पैसे की डिमांड नहीं रहने वाली। हमारे साथ में प्रेम गुप्ता जी मौजूद थे, व्यापारी। उन्होंने हमको बताया कि आगामी जो आगे जो है कि जो के जो भाव है वो अभी कोई बढ़ने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं।